लखनऊ में आज वातानुकूलित इलेक्ट्रिक सिटी बस का शुभारंभ किया जाएगा। इस वक्त हम 1090 चौराहे पे मौजूद हैं। ये हम बस दिखा रहे हैं आपको कि कितनी इलेक्ट्रिक बस जो है वो पूरी तरह से शानदार तरीके से ये भगवा रंग में रंगी हुई है, और इसका उद्घाटन आज आशुतोष टंडन जो कि नगर विकास मंत्री हैं उनकी तरफ से किया जाना है। इस बस को लेकर ये पहला मौका है कि लखनऊ में इलेक्ट्रिक सिटी बस का जो है वो उद्घाटन हो रहा है। बस के अंदर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरह से कितनी खूबसूरत ये बस जो है वो तैयार की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी बस जो है वो एसी है, और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिक से ये बस चलेगी। कैमरे लगे हुए हैं पीछे, और ये तमाम जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें एक डिस्प्ले भी लगाया गया है पीछे की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार जो है वो बस तैयार है, और इसमें ये सिटी बस जो है वो इसलिए तैयार की गई है कि यहाँ रोज़मर्रा के जो मुसाफिर हैं उनको कहीं ना कहीं सहूलत हो। ये डिस्प्ले सामने लगा हुआ है कि जिस जगह पर ये बस पहुँचने वाली होगी तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपका स्टॉप आने वाला है। यानी ठीक मेट्रो की तरह इस बस को भी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले लगाया गया, और साथ ही साथ ये पूरी की पूरी बस जो है वो इलेक्ट्रिक से जो है वो चलने वाली है। इसमें वायरलेस है, अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है, स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, और साथ ही साथ कैमरे लगे हुए हैं पूरी बस में ताकि सुरक्षा की दृष्टि से भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, यहाँ यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और बैठने के लिए, खड़े होने के लिए काफ़ी इस बस में स्पेस है, और आज इसका शुभारंभ आशुतोष टंडन और महापौर संयुक्ता भाटिया जो है वो यहाँ से करेंगी, और लखनऊ में ये बसें जल्द ही अब दौड़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।